Tomorrow morning, PM of India is arriving here. I am going to buy a new car. इस तरह के सेंटेंस देखे तो जिसका स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन वो हमें कहाँ पे रेफर करते हैं, फ्यूचर की ओर रेफर करते हैं। जैसे कि टुमोरो मॉर्निंग, कल के मॉर्निंग की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार वेरी सून, बहुत ही जल्द मैं एक नई कार लेने वाला हूँ, फ्यूचर की ओर रेफर करते हैं। लेकिन जिसका स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की तरह होता है। इस तरह के सेंटेंस कैसे फॉर्म करें, किस किस सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस फॉर्म किए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का एक और फंक्शन जो कि है नियरर फ्यूचर को शो करना, वो हमने अभी तक कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हम जनरली यही पढ़ते हैं कि जो भी एक्शन है वो अभी ऑनगोइंग है, उसको शो करने के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। लेकिन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का एक और यूज ये भी है कि उसमें हम नियरर फ्यूचर को शो कर सकते हैं। कोई भी हमारा इंटेंशन है या फिर डिसीजन है या फिर कुछ भी हमने प्लानिंग करके रखी है नियरर फ्यूचर में, उनको शो करने के लिए भी हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तीनों में देख लेते हैं किस तरह से हमारा इंटेंशन हो सकता है, किस तरह से हमने कुछ नियरर फ्यूचर में डिसीजन लिया हो सकता है, या फिर किस तरह की हमने प्लानिंग की रखी हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, किस तरह से प्लानिंग हो सकती है और उसको हम शो कर सकते हैं। आप गए हैं पीएम ऑफ इंडिया की ऑफिस में, आप उनसे पीए से बात कर रहे हैं कि हमें मंडे की अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हमें पीएम ऑफ इंडिया से बात करनी है, हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए उनकी नेक्स्ट मंडे की। उनका पीए क्या कहते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट मंडे। सेंटेंस देखिए, द पीएम ऑफ इंडिया इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट मॉर्निंग। पीएम ऑफ इंडिया जापान के लिए लीव होने वाले है, कब? नेक्स्ट मॉर्निंग में। देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, शो कब हम बात किस तरह की कर रहे हैं, नेक्स्ट मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीएम ऑफ इंडिया इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट मंडे, ये हो गई हमारी प्लानिंग। पहले से प्लान किया हुआ है उनका शेड्यूल कि संडे को यहाँ पे होंगे, मंडे को यहाँ पे जाएंगे, फिर ट्यूजडे को क्या होगा। तो मंडे का जो प्लानिंग है उसमें क्या है कि वो जापान को जाने वाले हैं, तो उसको शो करने के लिए हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। द पीएम ऑफ इंडिया इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट मॉर्निंग। इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में भी बात कर सकते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया विल लीव फॉर जापान नेक्स्ट मंडे, ये भी हम कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन उसको हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में कैसे शो करेंगे, द पीएम ऑफ इंडिया इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट मंडे, ये हो गई प्लानिंग के बारे में। कोई भी हमने डिसीजन ले रखा जैसे कि वी आर विजिटिंग द म्यूजियम टुमोरो, कोई आके हमें कहता है कि चलिए हम कल मूवी देखने जाते हैं, लेकिन हमने पहले से ही प्लान ले रखा है, हमने पहले से ही अपना डिसीजन तय करके रखा है, हम कहाँ जाने वाले हैं, म्यूजियम जाने वाले हैं। तो इसको हम कैसे उनको कहेंगे कि कल हमारा प्लान है भाई म्यूजियम करने का, हमने पहले से ही डिसीजन ले रखा है कि म्यूजियम जाने वाले, क्या कहेंगे? वी आर विजिटिंग द म्यूजियम टुमोरो, हम कल म्यूजियम को विजिट करने वाले हैं। बात है वो फ्यूचर की है, लेकिन शो कब हो रही है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। इसका सिंपल फ्यूचर बात करें तो वो हो जाएगा वी विल विजिट द म्यूजियम टुमोरो, हम कल म्यूजियम को विजिट करेंगे। वी आर विजिटिंग द म्यूजियम टुमोरो, हम कल म्यूजियम को विजिट करने वाले हैं। देखिए फर्क थोड़ा इतना ही रहता है क्योंकि हमें इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हमें हमारी प्लानिंग, हमारा डिसीजन है, हमारा इंटेंशन है, वो शो होता है सिर्फ। और उसमें अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो हमारा कोई डायरेक्ट ही हम मक्कम है कि हम ये करने ही वाले हैं, वो बात शो होती है, फिर सिंपल फ्यूचर में शो हो जाती है। अब एक देख लेते हैं इंटेंशन क्या है। कोई हमें कहता है कि भाई तू इतने सारे पैसे जमा क्यों कर रहा है, यूज ही नहीं करता, जो भी तुम्हें तुझे तो तेरी इनकम होती है उतना तू सारे सेविंग्स में कर रहा है, कोई यूज नहीं करता, तेरा इंटेंशन क्या है इस सब ये सारी सेविंग करने का। तो आप कहते हैं फ्रॉम दोज मनी आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार वेरी सून, उन पैसों से मैं बहुत जल्द एक कार खरीदने वाला हूँ, इसलिए मैं सेविंग कर रहा हूँ। उन सही पैसों को सेविंग करने का तेरा इंटेंशन क्या है, उसको शो करेंगे हम कैसे, फ्रॉम दोज मनी आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार वेरी सून, उस बचे हुए पैसों से मैं बहुत जल्द एक कार खरीदने वाला हूँ। तो इसको आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम सिंपल फ्यूचर यानी कि हमें कोई बात फ्यूचर की शो करनी है, तब अगर हमारा वो बात नियरर फ्यूचर की है और वो हमारा डिसीजन है या फिर इंटेंशन है या फिर कोई प्लानिंग है नियरर फ्यूचर में, लॉन्ग टाइम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, कुछ नियरर फ्यूचर में हमारा डिसीजन है, इंटेंशन है या फिर प्लानिंग है, उसको हम कैसे शो करेंगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करके भी हम शो कर सकते हैं।
किस तरह से, जो कि हमने पहले देख लिया। कुछ और सेंटेंस इस तरह के हम देख लेते हैं जिससे कि हमारे डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाए। दोनों ही टाइप में सेंटेंस दिखेंगे, फ्यूचर टेंस में उसको कैसे शो कर सकते हैं और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करके भी हम उसको फ्यूचर को कैसे शो कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर का मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, मैं सिर्फ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस सॉरी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में कैसे उसको बोलते हैं वही बोलूंगा। एसएससी स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट मंथ, वी आर कमिंग लेट टुनाइट, आज रात हम लेट आएंगे। द स्टूडेंट्स आर विजिटिंग द गार्डन टुमारो, यू आर गोइंग टू फेस फ्यू ट्रबल्स, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड फन, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड फन। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस है उसको हम जिसको जिसमें हम फ्यूचर शो करना है उसमें हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इंग्लिश के कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमें पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, इफ यू रियली लाइक एंड एंजॉय आवर इन्फॉर्मेशन, प्लीज लाइक आवर वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट।